नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्रीय समाचार। दोस्तों, ये तस्वीर है दिल्ली के अक्षरधाम के पास का है। मैं मास्क थोड़ा हटा लेता हूं वीडियो बनाने के लिए ताकि आप लोगों को आवाज सही सुनाई दे। ये दिल्ली के अक्षरधाम पास की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में, और ये दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR में प्रदूषण ने जो बादलों पे एक मोटी परत जमाई है, ये देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार अखबारों में बड़े बड़े ऐड देते गए और कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इस बार दिल्ली में पटाखे दिवाली के आसपास ना तो बनेंगे, ना तो किसी दुकानों पे मिलेंगे और ना ही लोगों को छोड़ने की इजाजत होगी। लेकिन उसके बावजूद भी, और दिल्ली पुलिस को भी सख्त हिदायत दिया गया था कि दिल्ली में किसी भी प्रकार की पटाखे लोग ना छोड़े, सिर्फ ग्रीन कैकर्स, मैं यहाँ माफी चाहूंगा, किसी भी प्रकार के नहीं बल्कि ग्रीन कैकर्स जो पटाखे हैं वही छोड़ने की इजाजत दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से पूरी रात आतिशबाजी हुई है, उसका नजारा, उसका रिजल्ट जो है आज सुबह आप सभी के सामने है। तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है कि दिल्ली NCR में, अगर मैं कहूँ तो गैस के चेंबर में लोग रह रहे हैं, ये गलत नहीं होगा। किस तरह से प्रदूषण ने पूरा कहर बरपा रखा है दिल्ली NCR में। कहाँ थी आखिर दिल्ली पुलिस? जब दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था तो कहाँ थी दिल्ली पुलिस? केजरीवाल के जो ऑफिसर है रात में क्यों सो रहे थे? मैं यही शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि वो सो रहे थे। अगर केजरीवाल के ऑफिसर जागते तो शायद दिल्ली में ये भयानक स्थिति देखने को नहीं मिलती।